हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में हम प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं। जहाँ सारे प्लैनेट्स वायुमंडल में रहते हैं, वहाँ पृथ्वी अपने घर में बैठी होती है और अपने पुराने पिक्चर्स को देख रही होती है। वह बताती है कि स्टार ने किस तरह से उसे पंगे लिए थे और मिल्की वे यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी और पृथ्वी और मंगल बेस्ट फ्रेंड थे। और नेक्स्ट पिक्चर को देखकर वह चौंक जाती है, बताती है कि डायनासोर की वजह से कैसे पृथ्वी पर मुसीबत आई थी। और वह सो जाती है और उसके सपने में फिर से डायनासोर आते हैं और वह फिर से चौंक कर उठ जाती है, क्योंकि उसके दरवाजे की बेल बजी थी और दरवाजा खोलती है, देखती है, चौंक जाती है। तभी उसे इंसानी बच्चा दिखाई देता है। वह आसपास देखती है, कोई नहीं होता, तो वह उसे अपने सर पर बैठा लेती है। वह उस बच्चे के साथ खेलने लगती है। वह इंसानी बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती होता है। वह उसके साथ खेलती है और जैसे जैसे समय के साथ वह बड़ा होता है, उसकी शरारतें बढ़ने लगती है और धीरे धीरे कर वह उस पृथ्वी को प्रदूषित करने लगता है और अचानक पृथ्वी डाउन हो जाती है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है और वह मर जाती है। ये देखकर वह इंसानी बच्चा चौंक जाता है। वह फिर उसके पास जाता है और उसे टच करता है, लेकिन पृथ्वी नहीं उठती और अचानक से उसे लगता है कि उसका अस्तित्व भी खतरे में आ चुका है। वह सोचता है कि मैं क्या करूं। वह बहुत घबरा जाता है कि पृथ्वी अब नहीं रही। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती। तब वह बुरी तरह से रोने लगता है कि अब वह अकेला हो गया है। वह उदास हो जाता है और तभी उसे एक लाइफलाइन दिखाई देती है कि अभी उम्मीद बाकी है। तब उसका मन कहता है कि हमें कोई आइडिया निकालना चाहिए। वह बहुत आइडियाज लगाता है लेकिन उसमें सफल नहीं होता। फिर उसके दिमाग में एक फाइनल आइडिया आता है। वह अपने प्यार से जो है पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। पृथ्वी पर हरे भरे पौधे लगाने से उसके दिल की धड़कनें फिर से चलने लगती है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। पृथ्वी फिर अपनी आंखें खोलती है और वह देखती है कि वह फिर से जीवित हो चुकी है। तभी इंसानी बच्चा सामने से साइकिल लेकर आता है और वह पृथ्वी को अपने टोकरी में बैठाकर घूमता है। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसकी केयर करने लगता है। ये पृथ्वी आखिरी पिक्चर देख रही होती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ। अब वह इंसानी बच्चा अपनी पृथ्वी माँ को बहुत प्यार करने लगता है। थैंक यू।